अजीत एंड वॉचिंग फूडी बावला। आज हम हैं सीपी में और सीपी की कुछ अच्छे फूड प्लेसेस और क्या क्या है, मतलब एक जनपद का भी हम यहाँ पे टूर करेंगे और एक आपको स्पेशल पर्सन से मिलवाएंगे। तो जो इस वीडियो पे नए हैं उनके लिए बता दो भाई, बहुत ही बकवास वीडियो है और आगे बकवास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करते रहना। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही है कितनी बकवास वीडियोज होती हैं सारी। तो पूरा वीडियो को पूरा देखें, डायरी के अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है। कुछ प्लान तो कुछ और था कि बनाना था हमें ट्रेड फेयर का, पर ट्रेड फेयर का हो नहीं पाया, टिकट्स ख़त्म हो गई थी। तो जनपद दिखाते हैं डेली का और यहाँ पे सीपी में क्या क्या खाने के लिए अच्छा है वो दिखाते हैं। चलो भाई देखो, आ गया दिल्ली बग्गी पे। आज दिल्ली का एक नया रूट, पहले ये देखो घोड़ी के ऊपर बाकी देखते हैं आगे कैसे करना है, थोड़ा साउंड का इफेक्ट होगा। तो एक नई सवारी बाइक के अलावा, एक नई सवारी और ये तुम्हारी भाभी, देख लो भैया सारे। तो इसी बात पर ठोको लाइक सब्सक्राइब, कह दो सब्सक्राइब करने के लिए यार, तुम अच्छा जो यार वीडियो देख के बोलो सही सब्सक्राइब करो। ये तो कत्ती शर्मीली हो रही है भैया, तो ऐसा है और क्या कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या क्या है जनपद में, देखेंगे जनपद में क्या क्या है। गाइस अगर आपको हमारी सवारी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, आज सर्दी के मौसम में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, है? चलो सर।
इधर यार आ जाओ। सॉरी गाइस, ड्रेस चेंज, लोकेशन चेंज, एक्चुअली थोड़ी सी इशू, थोड़ा क्या बहुत बड़ा इशू हो गया था दिल्ली के अंदर, तो मैं अभी मतलब उस चीज़ को प्रॉपर शूट भी नहीं कर पाए थे, पुलिस वाले आ गए थे सारे के सारे। तो बेसिकली काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी जगह घूमा और आपको मैंने आपकी भाभी से भी मिलवाया था। तो बता देता हूँ मुद्दा हुआ क्या था दिल्ली के अंदर। वहाँ पे कुछ जो लाइक बिजनेसमैन प्रोफाइल हो गए या फिर गांव के छोटे दुकानदार लोग हो गए, ये था एक इशू चीट फंड का। चीट फंड एक लाइक बिजनेस कहते हैं, एक प्रोफाइल होता है, एक आइडिया था जिसके अंदर आप किसी कंपनी की एक प्रोफाइल, एक पर्टिकुलर सेगमेंट में आप पैसा लगाइए, आपको उस टाइम के बाद वो पैसा डबल हो जाता है अपने साथ, आप लोगों को जोड़िए, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ होती है उसके अंदर। मुझे बेसिक कोर नहीं पता चीट फंड का, जिसमें सहारा वन ऑफ द बिगेस्ट नेम है। तो उन लोग का गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, बिकॉज जब हमारी बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने इस चीज़ को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जितनी भी रनिंग कंपनीज थी वो अपने जितने भी डिपॉजिट होल्डर्स कस्टमर्स थे उनको वो रिटर्न नहीं कर पाए। तो अराउंड 600 करोड़ रुपए का कुछ घोटाला टाइप का, घोटाला नहीं कहेंगे एग्जैक्टली इसको, 600 करोड़ का लॉस था फॉर द नॉर्मल पब्लिक। तो उसी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट था, पुलिस वाले आ गए वहाँ पे, उन्होंने मेन सीपी में उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी थी और उस पर लाठीचार्ज जैसा कुछ सीन हुआ नहीं, बन रहा था बट अगर कुछ होता तो लाठीचार्ज भी हो सकती थी। सो इतना ही था गाइज। तो नेक्स्ट टाइम आई होप आई ट्राई कि एक अच्छी वीडियो लेके आऊँ, अच्छी क्या बकवास वीडियो लेके आऊँ। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो एज आई ऑलवेज से, बी व्हाट यू वांट टू बी। टाटा बाय।